दास संस्कृत स्कूल के विद्यार्थियों ने बनाई मानव सभ्यता के भविष्य की तस्वीर। स्कूल में लगाई गई भविष्य की सभ्यता पर आधारित प्रदर्शनी। छोटे विद्यार्थियों ने कमाल की कल्पनाओं को उतारा कैनवास और मॉडल पर। मानव सभ्यता का भविष्य कैसा होगा, अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो दास संस्कृत स्कूल चले जाइए। यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाओं से भविष्य की सभ्यता के मॉडल तैयार किए हैं। भविष्य के हमारे मकान कैसे होंगे, हमारे हॉस्पिटल कैसे होंगे, हमारे यातायात के साधन कैसे होंगे, और भी बहुत कुछ जो हमारे जीवन से सीधा जुड़ा है। सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं में नहीं आ रहा है, वो सारे चित्र दस संस्कृति स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी सोच से तैयार किए हैं। होराइजन हिंद न्यूज़ की टीम ने जब संस्कृति स्कूल की इस प्रदर्शनी का जायजा लिया तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। संस्कृति स्कूल के विद्यार्थियों ने भविष्य की ऐसी सुनहरी और अति आधुनिक तस्वीरें खींची जो न सिर्फ सुकून देने वाली है बल्कि गौरवान्वित भी करती है। नन्हे हाथों ने नन्ही सोच से हमारे पर्यावरण, हमारी नदियाँ, हमारे शिक्षण संस्थान को कैनवास पर रेखांकित किया है। दस संस्कृति स्कूल की भविष्य पर आधारित ये प्रदर्शनी 2 दिन चलेगी। क्राफ्ट एग्जिबिशन के स्कॉलर्स ने बनाया है और इसमें ज़्यादातर वी हैव यूज्ड म्यूरल्स टू मेड एंड इन ऑल द म्यूरल्स वी हैव यूज्ड थर्मोकोल एज बेस एंड देन वी हैव पुट ऑन द पेपर मैशे एंड लाइक मेड द फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर कलर्ड विद एक्रेलिक कलर्स एंड वी हैव मच मोर थिंग्स टू से लाइक वी हैव की होल्डर्स, मैगजीन होल्डर्स, हेयर ट्रेडिशनल मिरर्स एंड पेपर मैशे कार्विंग फ्लावर, पिकॉक म्यूरल, thermocol mask and Egyptian face, and there we have with quilling boxes, quilling cards, and they all are like made with quilling strips and we quilled it and the flowers are like embossed with silicone tubes. मॉडल्स को बनाने में खूब खून पसीना बनाया है हमारे बच्चों ने, मतलब 15 से 20 दिन तक की मेहनत लगी है इस एग्जीबिशन को बनाने में और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे मतलब कल रात तक चल रहे थे। हमने यहाँ पे पेपर क्राफ्ट बनाए हैं, टी लाइट कैंडल्स बनाई हैं जो कलिंग स्ट्रिप्स से बनी हैं, 100 स्ट्रिप्स को जोड़ के जो हमने बनाई हैं और उसमें हमने ज्वाइन करी है और गणेश पॉट्स बनाए हैं और पेपर क्राफ्ट बनाए और कलिंग बॉक्सेस बनाए हैं हमने, जिस पे हमने फेविकॉल, सिलिकॉन ट्यूब ये सब यूज़ किया और फिर यहाँ पे हमने पेपर क्राफ्ट में मिकी मिनी जोकर्स एंड ऑल दैट। एक 3D ऑर्गन प्रिंटर है जो ऑर्गन्स प्रिंट कर सकता है। इसके लिए हमें 4 तरीके की बायो इंक्स की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से पहली चीज़ है हाइड्रोजन जेल, जिसके अंदर ज़्यादातर पानी पाया जाता है और 1% हाइड्रोजन होता है।
जो बेस प्रोवाइड करता है बेसिक ऑर्गन के लिए। फिर दूसरी चीज़ होती है वो होती है फाइबर्स, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ऑर्गन को। देन तीसरी चीज़ जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑर्गन को चाहिए होते हैं फ्रेश रखने के लिए। ये हमने कलर सिलाई बनाई है, इसका बेस हमने थर्माकोल से दिया है, उसके ऊपर पेपर मैशी लगाया है और 3D बीट्स ट्यूब उसके साथ कवर किया है और उसके बाद वॉनिश किया है। उसके ऊपर है शुभ लाभ, वो उसका बेस हमने वुड से दिया है, उसके ऊपर हमने वॉनिश करके शेडिंग दी है और 3D बीट्स लगाए हैं उस पर भी। संस्कृति द स्कूल एंड दिस इज़ आर अंकुर एंड दक्ष एग्जिबिशन एंड दिस इज़ बेसिकली आर आर्ट एग्जिबिशन एंड वी आर डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 20 डेज एंड यू नो वी स्पेंड आर 6 hours इन दिस रूम 6-8 एंड वी आर जस्ट पेंटिंग हेयर एंड इट्स अ वर्क दैट। Good afternoon, my name is Ishan Jagwani. I am in 11th Arts. Today our 13th annual exhibition has been inaugurated by the father of our head boy and the mother of our head girl. Now, this time we have used a variety of mediums and we have got a variety of subjects as well. We have used mediums like soft pastels, charcoal leads, watercolor paintings, acrylic colors, poster colors and many more. We have got folk art paintings, we have got realistic paintings and contemporary paintings also. And we have been working for three weeks. It's been 3 weeks since we are working for 3 weeks now. And I hope this was a successful exhibition. Thank you. This is our 13th exhibition. आज हमारे फर्स्ट ओपनिंग हुई थी चीफ गेस्ट से, वो हमारे हेड बॉय और हेड गर्ल के पेरेंट्स से जिन्होंने एग्जीबिशन ओपन करी है। एंड यहाँ पर सारी डिफरेंट एग्जीबिशंस हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, साइंस, SST, मैथ्स क्लब, सारे क्लब्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। जो हमने पूरे साल बच्चों से काम बच्चों ने सीखा है उसको प्रेजेंटेशन दिया है उसका। इस बार की बेसिकली एग्जीबिशन की थीम रही है अबाउट द फ्यूचर, कि 100 साल बाद में कैसी दुनिया में क्या हो रहा होगा। इसी पर बेसिकली साइंस, मैथ्स सारे डिपार्टमेंट्स ने इस पर मिलकर प्रेजेंटेशन दिया है। संस्कृति स्कूल के 13th एनुअल प्राइज़ गिविंग और एनुअल एग्जीबिशन में आप जो देख पा रहे हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 100 ईयर्स के बाद में हमारा विश्व कैसे होगा, 100 साल के बाद में आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, आपका मेडिकल इशू चेंज हो जाएंगे, मेडिकल के इक्विपमेंट्स चेंज हो जाएंगे, बच्चे किस तरीके से अवेलेबल होंगे, 3D प्रिंटर आपके क्या क्या ऑर्गन्स प्रिंट कर देगा। सो ये सब चीज़ों को दर्शाया गया है और सोशल साइंसेज में ये दर्शाया गया है कि आने वाले समय में जो आप आज चीज़ें यूज कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए ऑब्सोलीट हो जाएंगी और क्या क्या नई चीज़ें आ जाएंगी, ये सब चीज़ों को बच्चों ने बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। आज 13th को हमारा जूनियर स्कूल का एनुअल प्राइज़ गिविंग है जिसका नाम अंकुर है। इसमें संजीव जिंदल जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। एग्जीबिशन में करीब 250 बच्चों ने भाग लिया है यहाँ पर, जिन्होंने कि अलग अलग कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेज, सोशल साइंसेज, मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी में बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।